हाय गाइस, वेलकम टू अब्दुल सनम ब्लॉग। गाइस, हमने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम एक अपने मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, अपने मशीन के बारे में बताएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम आप लोगों को अपने मशीन के बारे में बता दें। और जो भी गाइस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे बात बताने जा रहे हैं। ये अपने मशीन को कैसे कंट्रोल करते हैं, हर एक चीज़ बताएँगे आप लोग इस वीडियो में। तो बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि मेरे आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो फाइनली हम चलते हैं अपने मशीन के पास नहीं, मैं मशीन के पास ही हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, शुरू से आखिरी तक मैं दिखाऊँगी इस मशीन से क्या क्या होता है। मेरा लेज़र वेल्डिंग मशीन है 1500 वाट वाला, आप लोगों को दिखाते हैं कितने प्रकार के इससे वेल्डिंग होगा, कितने प्रकार का कौन कौन सा सीटी से वेल्ड नहीं होता है, कौन कौन सा वेल्ड होता है, कितना पावर पे वेल्ड होता है, कितना एमएम तक का वेल्ड होता है, हर एक चीज़ बताएंगे आप लोगों को शुरू से आखिरी तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सो हाय गाइस, हम फाइनली अपने मशीन के पास आ गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मशीन को दूर से दिखा रहा हूँ। ये मेरा ये दोनों मशीन है, और इसका कनेक्शन अभी उधर के साइड आप लोग देख सकते हैं, ये वायर उधर रखा हुआ है एक लोहे के ऊपर। तो मैं अभी ये मेरा मशीन अभी बड़ा बंद है, मैं आप लोगों को बोला था कि शुरू से आखिरी तक दिखाऊँगा। तो मेरा मशीन अभी बंद है, मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ पहले ये चालू कैसे होता है। तो फाइनली सबसे पहले चालू करने से पहले हम इसको पीछे से जो है एक एनसीबी 3 पोल का है, इसको हम चालू करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग चालू हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेज़र लिख के आ गया है, और ये स्क्रीन इसका चालू हो गया आप लोग देख सकते हो। और बस अब यहाँ पर करना है जो भी करना है, पहले इमरजेंसी को रिलीज करेंगे और स्टार्ट को ओपन करेंगे। देख सकते हैं आप लोगों को ओपन हो गया हर एक चीज़, ये बटन चालू था, मैं इसको बंद किया क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए इसको बंद किया था, तो आप लोगों के लिए सिर्फ बंद किया था। तो अब फाइनली हम इसको पहले सबसे पहले अपना चीलर चालू करेंगे, इसका मशीन के अंदर का चीलर। देख सकते हैं आप, चीलर चालू हो गया, एक मशीन के अंदर भी चीलर है और एक यहाँ पे भी चीलर है, 30 KVA का चीलर है, एक इधर रखा हुआ है। और अभी चीलर चालू हो गया है, तो उसके बाद हम अपना करेंगे चालू लेज़र को। आप लोग देख सकते हैं लेज़र को चालू कर रहा हूँ, अभी लेज़र पावर चालू हो रहा है, आप लोग देख सकते हो उधर पावर चालू हो गया है। अब उसके बाद हम ये वाला बटन दबाएंगे यहाँ पे। अब तो आप लोग देख सकते हैं एक और आइकॉन दिख गया है, थोड़ा इससे गंदा है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 2। और उसके बाद ये, अब इसको हम ये चालू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मशीन हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है, ये तीनों सिंबल दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये कि हमारा मशीन चालू हो गया। अब उसके बाद हम फाइनली चलते हैं अपना वायर फीडर की तरफ। वायर फीडर आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नज़दीक सारे कर हर एक चीज़ कर करके देख सकते हैं इसके अंदर वायर किस तरह से इंस्टॉल होता है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं लाइट चालू करता हूँ, ये देख सकते हो ब्लैक स्टील का वायर डला हुआ है, MS का वायर, ये 18 किलो है पूरा इसका वेट, 18 किलो। पता नहीं ये आप लोग देख सकते हो इस पर क्या लिखा हुआ है, 1.2 mm का है, इस पर वेट शायद नहीं लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये मेड इन चाइना ही है। और यहाँ से इसका ये सब जाता है, जो कि मैं अभी ऐसे रिलीज किया जाता है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर से जाता है एक, और दूसरा भी चालू होता है। तो अभी मैं इसको चालू करूँगा, तो अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये बटन को मैं एक बार दबाऊँगा तो ये चालू हो गया। अभी देख सकते हो चाइना में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये अभी चालू हो गया वायर फीडर, और उसके बाद आप लोगों को दिख, और इसके बाद हम चलते हैं बहुत एक ख़ास चीज़ के पास, ये आप लोग देख सकते हो मीटर के पास, जो कि आपको दिख रहा होगा ये मीटर बहुत अहम है। अगर इस ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये 200 के ऊपर है थोड़ा, जब मैं लेज़र को चालू करता हूँ जब वेल्डिंग करने के लिए, तो 200 पे आता है, तो ये बहुत ख़ास है। अगर 200 से कम होगा तो फिर लेज़र के अंदर का लेंस ख़राब हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। 200 तक का इसका पावर रहना चाहिए, गैस का 200 का पावर में आना चाहिए। आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हो डिस्प्ले में गैस कंट्रोलर, इधर देख सकते हो ये टच स्क्रीन है, आप लोग गैस कंट्रोलर आप लोग देख सकते हो इधर का 200 पे है। डेली एडवांसेस में भी प्रोफेशन भी सबका ये नॉर्मल है इतना ही का। और अभी हम इसमें वेल्ड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो अभी हम वेल्ड कर रहे हैं 3 mm, और इसमें मैक्सिमम आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम 5 mm तक का वेल्ड कर सकते हैं, उससे और कम से कम 0 तक का होता है ये, 0.2 का से करके मैक्सिमम 5 mm तक का ये वेल्ड होता है। तो अभी हम 3 mm का वेल्ड करेंगे,
और 3 mm का वेल्ड करने के लिए हमको पावर चाहिए 70 पावर चाहिए। और इसका हर एक प्रकार का अलग अलग डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। इस पर थोड़ा लाइट आ रहा है इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाने में, तो सॉरी। तो आप लोग देख सकते हो इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रोग्रामिंग है मॉडिफाई की, कैसे कैसे लेजर को चला सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों पर वेल्ड करने के लिए मूड दिया हुआ है। तो हम अभी ये मूड पर चलाएँगे, आप लोग देख सकते हो ये मूड वर्किंग मूड फ्रीक्वेंसी, और आप लोगों का ये है लेजर कंट्रोलर, यहाँ का है लेजर कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 500 होता है। और आप लोगों को बोले थे कि ये कितने वाट का है, 1500 वाट का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं पुश करके आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। 1500 वाट को आप लोगों को बोला था, यहाँ पर देख सकते हो 1500 वाट। और ये है कार्बन स्टील का, मतलब लोहे का, ये है स्टेनलेस स्टील का, और ये है एलुमिनियम का, आप लोग देख सकते हो एलुमिनियम का मैक्सिमम 2 mm तक का वेल्ड कर सकते हैं, और SS का 4 mm तक का वेल्ड कर सकते हैं, और कार्बन स्टील का मतलब ये भी 4 mm तक का इससे वेल्ड कर सकते हैं, मतलब वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट इसका है 5 mm तक का, मतलब इसमें आप लोगों को मैं दिखाया था यहाँ पर 5 mm तक का आप लोगों को दिखाया था, देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम हाईएस्ट हो गया 5 mm, लेकिन हम लोग ट्राई नहीं करते 5 mm, ट्राई कर सकते हैं लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरत है, जब जितना दिया गया उतना ही में करना सेफ रहता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ का सब कुछ बता दिया, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो मैं इसको दरवाज़ा खोलता हूँ, और इसके अंदर एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर दिख रहे आप लोग वाटर लेवल दिख रहा होगा, आप लोगों को पानी का लेवल भी दिख रहा हो कितना है उस पर, इसमें भी ध्यान देना चाहिए, पानी इसके अंदर पानी भी डालते हैं चिलर के अंदर। आप लोग को ये सेटिंग मैंने दिखाया था, फिर आप लोगों ने मैं भूल गया दिखाना। इससे क्या होता है ना कि लेज़र के अंदर एक पॉइंट निकलता है, जैसे लेज़र लाइट का रे निकलता है ना कि बहुत दूर तक जाता है, उसको ये एडजस्ट करने के लिए कि किधर से, मतलब कभी टेढ़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी वायर इधर आता है इधर आता है, इसके वजह से इसको ना हम अभी अपने हिसाब से कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं। आप लोग देखिए इधर का नंबर बढ़ेगा और इधर का पॉइंटर भी देखा खींचेगा, देख सकते हैं आप लोगों का पॉइंट, देखिए पॉइंटर कैसे इधर आ रहा है देख सकते हैं। अभी ये फिर से मैं माइनस कर रहा हूँ, देखिए ये इस तरह का देख सकते हैं आप लोग ये, और इससे क्या होता है ऊपर नीचे जाता है, देखिए मैं ऊपर वाला दबाऊंगा, देखिए ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, इससे ये होता है, मैंने इसको बताना भूल गया था तो सॉरी। हाँ ये मैंने 44 पे एडजस्ट कर रखा था तो, और ये कंपनी है चाइना की कंपनी है ये ETO। और उसके बाद हम आप लोगों को चलिए दिखाते हैं फाइनली वेल्ड करके कि किस तरह से ये मशीन वेल्ड करता है। वेल्ड करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, इसका जो वायर है ना, इसके अंदर का जो भी वायर है बहुत ध्यान से, अगर इसके अंदर पानी घुसा तो फिर मशीन में आवाज़ आना चालू हो जाएगा और लेजर काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके वायर को पैर से बचाना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बहुत एक नाजुक सा वायर है, जो इसका कलर का पीला वायर है, ये पीला कलर का वायर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वायर बहुत नाजुक है, इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ये आप लोग काफ़ी बड़ा वायर है आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, उससे पहले हम यहाँ पे अपना एक फ्रेक्स चालू कर देंगे, फिजिप चालू कर देंगे, ये गैस का है, आप लोग साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये गैस का है, और जब वेल्डिंग करेंगे तो ये चालू हो जाता है। तो मैं फाइनली जा रहा हूँ 3 mm का ये फ्रिक्वेंसी है कि किस तरह ये करेगा डिजाइनिंग में, तो हम 6 पे करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो आप लोग चलिए फाइनली हम वेल्डिंग करके दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से वेल्डिंग दे रहा है अभी। सो गाइस हम फाइनली अपने मशीन के गन के पास आ गए हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हो इसके डिस्प्ले में भी कुछ दिखा रहा होगा, कितने हज़ार का है, mm कितना है, कौन से फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है, ये सब दिखा रहे हैं क्योंकि मेरा मशीन देख लो कितना गंदा हो, क्योंकि इसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है कि और गंदा ना होगा। तो फाइनली हम चल रहे हैं यहाँ वेल्ड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देखिए कितना खूबसूरत वेल्डिंग किया है ये, और हम आपको एक लंबा वेल्डिंग करके दिखाते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये वेल्डिंग कितना अच्छा है, अभी थोड़ा गर्म है क्योंकि हम अभी एक ऑक्सीजन से इसको वेल्ड कर रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत महंगा है यहाँ पे। तो अभी मैं दूसरा वेल्ड करके एक और दिखाता हूँ,
देखिए मैंने अभी इसको वेल्ड किया, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा वेल्डिंग है इसका मशीन का, आप लोग देख सकते हो फिर से कितना अच्छा वेल्डिंग है इसका। तो ये रहा इसका 3 mm का वेल्डिंग, कितना अच्छा दिया आप लोग देख सकते हो। ये एक्चुअली में ये सारा 3 mm का है, लेकिन ये जो है ये सारा है ये SS का है, और ये SSMS है, मतलब कार्बन स्टील है, ये सारा कार्बन स्टील है लोहे का, और ये SS है आप देख सकते हैं। और इसका लिए इसके लिए ये तो है गाइस आप लोगों ने फाइनली देखा कि हम मशीन को कैसे कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए एक बात ये है कि इसका लेजर जो है वो आंखों में ज़्यादा लगता नहीं है, बहुत मतलब 5% 100 से 5% का है कि 5% ही लगता है, इसमें ज़्यादा लगता नहीं है। ऐसे बगैर चश्मे का भी, बगैर हेलमेट का भी मार सकते हैं। हाँ एक है कि इसको मास्क लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्मेल आता है ना वो थोड़ा अजीब लगता है, इसका स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, नाक में पकड़ता तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें मास्क लगा के, और मैं चश्मा लगा के काम करता हूँ, ऐसा नहीं है आप लोग देख सकते हो मेरे टेबल पर चश्मा पड़ा हुआ इधर है, लेकिन अपना सेफ्टी सही रहता है। यह मैं सब लगा करता हूँ, और ग्लव्स हाथों को बचा के, क्योंकि मैं जब शुरू में काम कर रहा था तो मेरा हाथ बहुत जलता था, अभी तो मुझे थोड़ा बहुत आदत हो गया है, तो अभी मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उतना ज़्यादा हाथ मेरा जलता नहीं है अभी, तो बहुत अच्छा नहीं, तो मैं जब मेरा हाथ जलता था तो मैं एक हफ्ते में एक ग्लव्स ख़त्म, जो एक ग्लव तो तकरीबन 15 दिन से एक ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी नहीं फटा हुआ है, ये है इसका सारा। लेकिन काम करने बहुत अच्छा है, मशीन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा भी है, 1500 वाट का ये मशीन है, और इसमें मैं काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन हो गए 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस मशीन के साथ। तो आप लोग तो फाइनली आप लोगों ने सब कुछ देख लिया इस मशीन के बारे में, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा नया चैनल अब्दुल सनम ब्लॉग मैं नया खोला है, अभी मेरा कुछ सब्सक्राइबर नहीं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अच्छा काम है, क्योंकि कोई भी अगर ये काम करता हो तो ये देख के अपना थोड़ा बहुत मोटिवेशन उसको मिलेगा ये मशीन के बारे में, और मैं आगे भी अब इस मशीन के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा हमेशा के लिए, और अपना प्यार दिखाइएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।